कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुलिस कर्मियों व उनके परिवार के 18 वर्ष से ऊपर के सदस्यों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के दौर में पुलिस कर्मचारी अग्रिम पंक्ति में आकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए पुलिस कर्मचारियों और उनके परिजनों को कोरोना के संक्रमण होने का खतरा अधिक बना रहता है। पुलिस कर्मचारियों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मंगलवार को पुलिस लाइन में एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में पुलिस कर्मचारियों और 18 वर्ष से ऊपर के परिजनों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगाई गई। उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मंगलवार को इस कैंप में कुल 473 पुलिस कर्मचारियों व उनके परिजनों को वैक्सीनेशन लगाई गई, जिसमें 421 को पहली डोज व 52 को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। ऐसा है, पुलिस जो है वो फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा है, इसलिए उनके और उनके परिजनों को जो है जल्द कोरोना की चपेट में आने का खतरा रहता है, इसलिए आज पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र में कोरोना टीकाकरण के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें पुलिस मुलाजम और उनके परिजन 18 से ऊपर की एज के जो भी कोरोना का इंजेक्शन लगवाना चाहें आकर के अपना इंजेक्शन लगवा सकते हैं। कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना की रिपोर्ट। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।